बीजेपी हुई और मजबूत तो सपा का सपना चकनाचूर। एमएलसी चुनाव के बाद ऐसे बदला विधान परिषद का समीकरण। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए, जिनमें से 4 सीटें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ विधानमंडल के उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल करने की विपक्षी समाजवादी पार्टी की उम्मीदें चकनाचूर हो गई है। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद के 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 30 जनवरी को हुआ था और मतगणना गुरुवार शाम शुरू हुई और शुक्रवार को संपन्न हुई। बरेली, झांसी, गोरखपुर और कानपुर जिले में मतगणना हुई। मुरादाबाद में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना भी बरेली में हुई। सपा के उच्च सदन विधान परिषद में 9 सदस्य हैं और आज के उच्च सदन में विपक्ष के नेता का दर्जा हासिल करने के लिए एक और सदस्य की जरूरत थी। उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यीय विधानसभा में मुख्य विपक्षी सपा के पास आवश्यक संख्या है और उसके प्रमुख अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर विजेताओं को बधाई दी और कहा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को मिली यह जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के प्रति अथाह जन विश्वास की प्रतीक है। गोरखपुर फैजाबाद मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट, इलाहाबाद झांसी मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट, बरेली मुरादाबाद मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट और कानपुर मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कानपुर मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजबहादुर सिंह चंदेल जीते। इस जीत के साथ 100 सदस्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। विधानसभा परिषद में बहुजन समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक के पास एक एक सीट है। धन्यवाद दर्शकों, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।